इतने पहुंच चुके ने और सारे ने आप अपनी जगह से ही उन्होंने वेलकम करना वा और साथियों पंजाब के प्यार करने वाले वो महान शख्सियत है कि जी केंद्र के बैठ के साडे पंजाबियों की गल करते ने और पंजाबियों के दिल में वसते ने जेड़िया जेड़िया भी मंगा जो जो भी तगड़े हो गए वोटा पाओ बटन दबाओ ते कांग्रेस अकाली दल झाड़ू नूं भजाओ जिंदाबाद मैं इनिया बेनतियां करता हां अपने प्रधान जी नूं बेनती करूंगा वो चंद लंग तुहाडे सामने रखणगे मेरे छोटे भरा ते वीर सरदार मुकविंदर सिंह माल जी जिहड़े साडे उम्मीदवार ने इत्थों राम शरण पराशर जी प्रदीप चौधरी जी शाहबेग सिंह जी कुलदीप सिंह जी महिला मोर्चा दी जगदीश कौर जी किसान मोर्चा दे कुलदीप सिंह जी माइनॉरिटी मोर्चा दे सोनी जी नथा सिंह जी बाबा सतनाम जी गुरपाल सिंह जी तो मैं माफी चाहना अगर किसी का नाम रह गया हो तो गलती मेरी नहीं इन्होंने जिन्होंने चिट लिख के दी उन्होंने गलती है पर सब तो वड्डा मैं माफी तुहाडे कोल इसलिए मंगना चाहना कि मैं थोड़ा लेट चल रहा और लेट इसलिए नहीं कि मैं आना नहीं चाहता सी पर आज प्रधानमंत्री जी की तीजी रैली सी अबोर फाजिलका च तुहानू याद होना पहली प्रधानमंत्री जी की रैली सी जलंधर च कल सी पठानकोट ते आज अबोर च प्रधानमंत्री जी ने जदों मई 2014 विच दिल्ली विच रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली 2014 तो 2022 तक की कुछ होया मैं दो चार मिनट तुहाडे नाल लावांगा पिछले दो साल खास करके मार्च 2020 तो जो साढ़े सामने कठिनाइयां आईयां ने जो असी महामारी का जो कोविड का सानू सामना करना पिया एक पार्टी हैगी जिन्हें 75 साल चो शायद मैं समझना ज्यादा देर 70 साल उन्हां दी हुकूमत सी उन्हां दा एक युवा नेता है उन्हों कुछ लोग पप्पू भी कहते हैं उन्हें एक दिन उठ के पूछा प्रधानमंत्री जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां है मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता मैं उन्होंने जवाब दिता मैं कहा दो स्टेट्स है एक राजस्थान एक पंजाब जिथे थोड़ी सरकार है राजस्थान इतने तुम कूड़े के सख्ती वैक्सीन तो पंजाब जी थी सरकार है वह मुनाफाखोरी कर रही है वैक्सीन पर असलियत यह है कि अज के दिन मोदी जी ने 170 करोड़ साड़ी आबादी पता कि कोई 130 करोड़ के आसपास है पर 170 करोड़ वैक्सीन बनवा के मुफ्त वंडी है तो सारे को वैक्सीन मिली है कि नहीं मिली मिली है अरे ये कांग्रेस के नेता झूठ तो भ्रम फैला रहे थे इन्होंने कहा कि मोदी जी ने एक साड़ी वैक्सीन है उसका नाम कोवैक्सीन उन्हों बनाने की इजाजत इन्होंने देती अरे वो ट्रायल्स नहीं हुए सी तो शायद वो खतरनाक होएगी कांग्रेस का असली खेल
असली खेल सीगा वो चाहते ही नहीं सन कि साड़ी अपनी भारत विच वैक्सीन बने। क्यों? क्योंकि चाहते सन और जड़ी महंगी वैक्सीन बाहरों इंपोर्ट होनी है उससे वो मुनाफाखोरी करन। ये तुहाडे कांग्रेस की सरकार साढ़े हाथ च की पकड़ाया कृपान ते तलवार। ये दिल्ली मॉडल वाला साढ़े हाथ च झाड़ू पकड़वाना चाहता है, कहना नशा मुक्त कराएगा दिल्ली नो। पर दिल्ली का मॉडल इतने लगाओगा, दिल्ली विच साल किन्ने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। पहले 21 दिन ड्राई डे होया करते सी, हुण इन्हें नवा नशा पॉलिसी बना के हर एक कॉलोनी दे साडे बच्चों दे स्कूल दे बाहर और रेजिडेंशियल कॉलोनिया विच दारू दे ठेके खोलते ने। ते ये आदमी है इत्थे आके कहंदा पंजाब नूं नशा मुक्त करवाएगा। मैं अज मोदी जी दी रैली च मेरा सौभाग्य है कि मैनूं उत्थे होण दा मौका मिलिया। मैं भी मनु बुरा ने कहा दो शब्द कह दो। मैं कहा जो तुम बच्चे सीगे तो साड़ी मां सानू असीसा देंदिया सन पुत्र पढ़ जाओ पढ़ लो तहसीलदार बन जाओ या डीसी बन जाओ। हुण साड़िया मावां बेचारियां की कहंदियां ने, कोई असीस दे रही सी कहंदा तेरा पुत्र कनेडा जावे। क्यों कनेडा क्यों जावे? क्योंकि इतने नौकरियां नहीं है। इतने नशा दी माफिया, रेती दी माफिया, लिकर माफिया, ये इन्होंने पंजाब की हालत करती है।